हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले नोकिया ब्रांड की तरफ से आने वाली एक छोटे से नोकिया डिवाइस 4G फीचर फोन के बारे में। तो दोस्तों मैक्स से वीडियो को पूरे एंड तक जोर से देखना। अगर आप नोकिया ब्रांड के बड़ा वाला फैन है तो आप इस वाली वीडियो को जोर से देखना और एंड तक जोर से देखना। हम इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि इस नोकिया डिवाइस के अंदर क्या कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स देखने को मिलता है। इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस छोटे से नोकिया डिवाइस की प्राइस और लॉन्च डेट इंडिया के अंदर कब तक देखने को मिल सकता है। मैक्स वीडियो को एंड तक जोर से देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक छोटे से नोकिया डिवाइस की डिजाइनिंग से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, डिजाइनिंग तो काफी कमाल के हो जाता है, बहुत ही तगड़ा वाला डिजाइनिंग देखने को मिलता है। कलर तो काफी कमाल के कलर, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, कलर तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। इसी के साथ बटन की जब बात करें, फ्रंट साइड में बटन तो बहुत ही मस्त देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको अच्छा फीलिंग होने वाला है। जब हाथ में पकड़ोगे एंड कान की तरफ लगाओगे तो आपको काफी बेस्ट यहाँ पे फीलिंग होने वाला है। अब बात करें एक छोटे से नोकिया डिवाइस की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे आपको कायवस देखने को मिलेगा, जिसके मदद से आपको यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड गूगल असिस्टेंट जैसे एप्लीकेशन चला पाओगे। यही नहीं, आपको बहुत सारा सोशल मीडिया से जुड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया से इजिली इस फोन के अंदर आप कनेक्ट हो पाओगे। वहीं जब बात करें एक छोटे से नोकिया इस डिवाइस की डिस्प्ले की साइज से, तो यहाँ पे 3.1 इंच का डिस्प्ले होने वाला है और ये डिस्प्ले QVGA के साथ लॉन्च होता है। अब बात करते हैं एक छोटे से डिवाइस की बैक साइड में कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नोकिया 4G फीचर फोन की कनेक्टिविटी के बारे में। तो ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट एंड HD वीडियो कॉलिंग देखने को मिलेंगे और इसी के साथ आपको ड्यूल नैनो सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा और 2G, 3G एंड 4G को ये आसानी से सपोर्ट करेगा। अब हम बात करते हैं इस डिवाइस को पावर देने के लिए थोड़ा सा बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, बैटरी के बारे में बात करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक बनता है। नोकिया ब्रांड की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस डिवाइस के अंदर 2000 mAh की बड़ी वाली बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 24 आवर्स बैटरी बैकअप मिलेगा। जबकि डिपेंड करते हैं कि आप इस फोन को ऑनलाइन, ऑफलाइन कब और कितना यूज करते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी के आप जस्टिफाई कर सकते हो। और इसी के साथ स्टीरियो स्पीकर, 3.5 mm का ऑडियो जैक और USB-C पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। और इस फोन के अंदर आपको ढेर सारा फीचर्स मिलेगा जो कि मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली कि इंडिया के अंदर कब और कितनी प्राइस में लॉन्च होगा। नोकिया ब्रांड की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है और इसकी प्राइस जो होने वाली है 2500 रुपए तक होने वाला है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, 4G फीचर फोन क्या आप बाय करेंगे, क्या इस फोन के लिए इंतजार करेंगे, कमेंट के नीचे मुझे जोर से बताना। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस जोर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।